स्टेटस जनरल की बैठक का बुलाया जाना फ्रांस के लिए या फ्रांसीसी क्रांति के लिए कैटलिस्टिक घटना। हर क्योंकि जब लुईस 16वें ने सभी लोगों पर टैक्स लगाया तो सेकेंड स्टेटस, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटस के लोगों ने इसको रिजेक्ट किया कि आपको हम पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है और इसका फैसला स्टेटस जनरल करेगा। तो जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकेंड वाले को सोच थी कि जनरल आदमी को कंट्रोल कर लेंगे अपने विचारों से। जब बैठक शुरू हुई तो स्थिति किसी के अनुकूल न फर्स्ट न सेकेंड न राजा किसी के अनुकूल नहीं गई, क्योंकि जो लोग थर्ड स्टेट के लोग जब वहाँ आए तो चाहे जो लोग कहे इनलाइटमेंट के आइडियाज से प्रभावित थे, वो फर्स्ट और सेकेंड के सामने इक्वलिटी खोज रहे थे, वो अपनी भी आवाज देना चाह रहे थे और वो सोच रहे थे कि हमारे ऊपर आपका कैसे चलेगा। तो ये क्लैश जब हुआ और जब आम जनता ने लगभग राजा की बात मानने से डिफाई कर दिया एक तरह से, तो जब आपको लग जाएगा कि मेरी बातों का प्रभाव नहीं हो रहा है, लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो आप कोई सोल्यूशन खोजेंगे, है ना। तो उधर फर्स्ट और सेकेंड स्टेटस को भी यानी चर्च और नोबिलिटी को भी लग गया कि आम आदमी अब हमारे अंदर नहीं है, हमारे से नियंत्रण होने वाला नहीं है। राजा को लगा कि ये लोग हमारे ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं, तो जब राजा के आज्ञाओं का उल्लंघन होने लगेगा तो राजा की अथॉरिटी पर ही सवाल उठेगा कि आप कैसे राजा हैं कि आपकी बात को लोग नहीं मान रहे। स्थिति ये हो गई कि राजा को स्टेटस जनरल की बैठक को नेशनल असेंबली के रूप में मान्यता देने पड़ी, है ना। अब ये नेशनल असेंबली के रूप में कन्वर्ट कर गया, तो स्टेटस जनरल कन्वर्टेड इनटू नेशनल असेंबली। अब वो प्रिविलेज की बात वहीं पर खत्म हो गई, है ना, कि अब किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं है और एक सामान्य राष्ट्रीय सभा के रूप में काम करेगा। और आगे चल के यही संविधान बनाने के काम में जुट गई नेशनल ज्वाइंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में यह कन्वर्ट कर जाती है। तो यह अपने लिए एक संविधान बनाने लगती है। तो अगला स्टेप होता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जब वो फ्रांस के लिए नया संविधान बनाने लगते हैं। अब इस समय क्या होता है, जब इस संविधान बनने लगता है तो राजा थोड़ा ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और धीरे धीरे पेरिस में अफवाह फैलती है कि राजा हमारे इन परिवर्तनों का समर्थन करने वाला नहीं है और राजा एक बहुत बड़ी सैनिक कार्रवाई करने के फेरे में लगा हुआ है और राजा के घटते प्रभाव को देखकर ऑस्ट्रिया और प्रशिया, जो आधुनिक जर्मनी है, प्रशा ही जर्मनी बना, ये दोनों और फ्रांस के लोगों को धमकी देने लगते हैं कि राजा की पुरानी स्थिति को बहाल करो, क्योंकि लुईस 16वां ऑस्ट्रिया का दामाद था, इसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, तो स्वाभाविक है कि वो लोग अपने राजकुमार के अधिकारों को रीइंस्टेट करना चाहेंगे। तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया दोनों के दोनों लुईस 16वें के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और इधर जो है जनता को लगता है कि हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं या यह अफवाह बहुत जोर शोर से फैलती है कि राजा बहुत बड़ी सैनिक कार्रवाई करने के फेरे में है और ये जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अब इस पर हमला होगा और स्थिति खराब हो जाएगी। अब यहाँ फिर जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक बुर्जुआ वर्ग है, मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग जो होता है उसका हित नीचे के वर्ग से और ऊपर के वर्ग से अलग होता है। मध्यम वर्ग जो ठीक ठाक है, बिजनेस क्लास ये सब जो लोग थे, उनके लिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेटस का प्रिविलेज बाधक है, तो नीचे वर्ग का क्रांति भी बाधक, क्योंकि निचला वर्ग अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करेगा, सोशल इक्वलिटी की बात करेगा, तो जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग है उसको लगेगा कि रिसोर्सेज जो शेयर करना पड़ेगा, तो हमारा जो प्रिविलेज है, हमारा जो कमाई है, हमारा जो बिजनेस है, वो भी उसमें चला जाएगा।
तो मध्यम वर्ग का हित था कि वो वाली क्रांति ना हो लेकिन प्रिविलेज वर्ग खत्म हो जाए, और निचले वर्ग का यानी किसान और वैसे लोगों का हित था कि इक्वल समाज बने, समान समाज बने जहां आर्थिक अवसर सबको हो, लिबर्टी हो, जो लिबर्टी इक्वलिटी का जो फेमस नारा है वो इन्हीं सब चीज से निकले। तो थर्ड स्टेटस में भी इनर कंट्राडिक्शन थे, लेकिन यहां इन अफवाहों के बीच फ्रांस की क्रांति का जो रियल आगाज है वह बास्टिल के पतन से। पेरिस की जनता, चूंकि मध्यम वर्ग और जो थर्ड स्टेटस थे वो राजा के संभावित खतरे से निपटने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इनके पास तो सेना नहीं थी, हथियार नहीं थे, प्रस्ताव था और संविधान बना रहे थे, आम जनता इनके लिए तो थी नहीं, और हल्ला था कि राजा ऐसा ऐसा करेगा। लेकिन फ्रांस का जो मूल अनरेस्ट है वो तो जनता का था, मध्यम वर्ग जो है बुर्जुआजी उसको तो केवल अपना हित का संरक्षण करना था। वह एक समृद्ध वर्ग था, ठीक ठाक वर्ग था, जो सबसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज था वो तो किसान था, जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा था। तो जनता जिसके पास रोटी नहीं थी, रोटी के लिए लाइन लग रहा था, डे टू डे के लिए जीवन का संघर्ष करना पड़ रहा था, तो समस्या तो उसकी थी ना। तो जब जनता को एहसास हुआ तो पेरिस की मॉब सामने आ जाती है, और पेरिस की मॉब बास्टाइल पर हमला कर देती है ना। तो फॉल ऑफ जो बास्टाइल है ये राजतंत्र का रियल खतरा हो गया, क्योंकि वह बास्टाइल एक सिंबल था रॉयल टिरेनी का, जो भी राजा के खिलाफ या उसकी अथॉरिटी के खिलाफ बोलता था उन सबको उस जेल में बंद कर दिया जाता था। तो वह राजा के अत्याचार और आतंक का प्रतीक बास्टाइल का पतन जब हमला कर दिया बॉम्ब ने, हालांकि वहां उस समय कोई खास प्रिजनर नहीं थे, लेकिन वो सिंबल था, उस सिंबल को जनता ने ध्वस्त कर दिया, और इस ध्वस्त करने से राजा की अथॉरिटी थॉरली अंडरमाइन हो गई, है ना। तो बास्टाइल का पतन फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्टेटस होता है। और वहीं से एक और घटना होती है जिसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कहा जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन मैन एंड सिटीजन। इसे पुरुष और नागरिकों के अधिकार, इसमें महिला शब्द नहीं, ध्यान रखने की बात है कि इसमें महिला शब्द नहीं है, लेकिन इन सभी राइट्स को राजा मानने से इनकार कर रहा होता है ना, क्योंकि इससे फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। इधर नेशनल असेंबली बच जाती है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वो फिर चुनाव की घोषणा करते हैं, है ना। हालांकि उसमें सभी लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप नेशनल कन्वेंशन का आगाज होता है, नेशनल कन्वेंशन, है ना। तो इसमें चुने लोगों की सभा हो जाती है, और यहाँ फिर बहुत सारे कानून, बहुत सारी बातें होने लगती है। लेकिन फ्रांस में बहुत सारे इनर कंट्राडिक्शन चलते रहते हैं सत्ता को कंट्रोल करने के लिए। इसी में जैकोबिन्स आ जाते हैं, है ना। जैकोबिन्स सत्ता पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो जैकोबिन्स का पीरियड आतंक का राज कहलाया है, और इनको लगता है कि जो भी क्रांति विरोधी है, जो भी राष्ट्र विरोधी है, उसका एक ही सजा है कि गर्दन काट दे, गुलेटाइन वर्ड या बहुत लोकप्रिय हुआ। और इसी पीरियड में राजा और रानी को भी फांसी दे दी जाती है ना। राजा को भी वही रॉबेस्पियर, जो राजा कभी इसके कॉलेज गए थे तो रॉबेस्पियर ने उनकी प्रशंसा में गीत गाया था, वही रॉबेस्पियर राजा को फांसी की सजा देता है, और बाद में रानी को भी एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। तो इस पीरियड में भयंकर हिंसा होती है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब टीपू सुल्तान भी जैकोबिन क्लब का मेंबर बना, और बेसिकली मेंबर बनने का मूल कारण नहीं था कि वो फ्रांस से सहायता चाह रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उस समय चूंकि फ्रांस ही डिस्टर्ब था तो
इसमें सहायता मिलने का कोई सवाल नहीं था। तो इन्हीं अराजकताओं से जब फ्रांस जूझ रहा होता है, क्योंकि निर्माण के पूर्व या जो बहुत अच्छा निर्माण होना होता है उसके पूर्व बहुत सारे चर्मी होते हैं, बहुत सारे खून खराबे इतिहास में होते हैं, फ्रांस भी उस दौर से गुजरा। तो आगे चलकर जो हम लोग फिर पढ़ेंगे राइज ऑफ नेपोलियन, तो डायरेक्टरी ऑफ फाइव का राज होता है ना, और इसी से भी बाद में नेपोलियन का राइज हो जाता है। नेपोलियन उन परिस्थितियों का लाभ उठाता है जिसमें फ्रांस फंसा हुआ है, और इसको लगता है कि इस परिस्थिति का लाभ उठा ले, और उठा ही लिया, और इसीलिए क्रांति का पुत्र है नेपोलियन की, क्रांति की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप वो पैदा हुआ। लेकिन जब क्रांति के बीजारोपण उसका फायदा लेकर वो बन गया सब कुछ, तो क्रांति के मूल सिद्धांत को ही उसने खत्म कर दिया। तो क्रांति का पुत्र है और क्रांति का नाशक भी नेपोलियन ही है, और एक तरह से फिर अपने बाद में चल के राजा हो जाता है। हालांकि यूरोप को भी वह पूरी तरह से बदलने का प्रयास करता है प्रथम दौर में, और यूरोप के लोगों में भी जहाँ ओल्ड रिजिम जहाँ जहाँ राज संग्रह है, उन लोगों को लगता है कि नेपोलियन के आ जाने से उनके यहाँ भी राजाओं से मुक्ति मिलेगी निरंकुश राज संघ से। लेकिन जब नेपोलियन खुद वहाँ पर अपने खानदान के लोगों को शासक बनाने लगता है, तो क्रांति के उन्हीं तत्वों को वह नाश कर रहा होता है ना। रिपब्लिक के नाम पर फिर से वह राजतंत्र साबित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण फिर यूरोप में उसके खिलाफ एक धारा बनती है, 1814 में खत्म होता है। तो मिटरनिक का पीरियड होता आता है, मिटरनिक सबको फिर लीड करता है और ओल्ड रिजिम को बहाल करने का प्रयास करता है। तो 1789 से लेकर 1814 में दो फेज है, एक फ्रांस की क्रांति और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हुए, और फिर बाद में नेपोलियन का राज, और नेपोलियन ने जो फिर किया वो 1814 तक। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर में पढ़ना है। ये मेजर टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आगे चलकर यह इतिहास को बहुत ही डिसाइसिव रूप से प्रभावित